हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेकोबियन, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट समझाया था कि जेकोबियन होता क्या और कैसे हम वहाँ निकालते हैं। नाउ आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि जेकोबियन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम बहुत सारे इक्वेशंस बहुत ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा जो चैनल है ये मैंने स्पेशली हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए डेडिकेटेड है। सो स्टूडेंट, मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर ले और उसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट मेरे जो आने वाले वीडियोस उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट, मेरी इच्छा ये है कि मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूं, पर मेरे भी सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं और आप थोड़ा सा इसमें मेरी हेल्प करेंगे तो मैं अब जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूं। प्लस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जहाँ पर हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पूछी जाती है उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूं, सो वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। सो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जेकोबियन क्या होता है, उसकी क्या होता है तो मैं बता चुका हूं, आई टैब पे आप देख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन देखिए यहां पे क्या होता है। इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, then del u v del upon del x y is into del x y upon del u v is equal to 1 होता है। मतलब ये और ये इसका उल्टा दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर आपको ये निकाल रखा है तो ये आराम से निकाल सकते हो और ये निकाला हुआ है तो ये आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू u इंटू वी एंड y इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन u माइनस वी, देन आपसे पूछ रहा है फाइंड डेल u v को अपॉन डेल x y। तो मतलब आपको ये जेकोबियन निकालना है u v अपॉन एक्स कोमा वाई। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अगर बात करें हम इसकी वैल्यू निकालने की, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपको यू वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई निकालना है, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। बट स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये तो x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है एंड y इज इक्वल टू, तो या तो हम क्या करें इन दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल के फिर इसको सॉल्व करें, पर वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी डेल एक्स वाई, मतलब मैं यहाँ पे जो वैल्यू निकालने वाला हूँ वो ये निकालने वाला हूँ, डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल यू इंटू वी, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रखूंगा एंड देन इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे डेल एक्स यू डेल एक्स वी डेल वाई यू डेल वाई वी, इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। सो एक्स को आप यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो हम एक्स को यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा वी, एक्स को वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा यू। नाउ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। नाउ वाई को यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे यू अपॉन वी होगा, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसको यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप यू माइनस वी को छोड़ा इस यू का किया तो 1, माइनस यू प्लस वी को छोड़ा इसका किया तो 1 डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये u से ये u कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 2v अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें डेल y बाय डेल v की, तो वही सेम u अपॉन v से करना पड़ेगा। सो u माइनस v को छोड़ा इस v का किया तो 1, माइनस u प्लस v को छोड़ा और इसका किया तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट v से v कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। देन हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आपके पास ये जो वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली dxy अपॉन डेल u इंटू वी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ना। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, राइट। तो देखिए आप क्या होगा, ये डेल u इंटू वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई इंटू, आपके पास ये वैल्यू आई वो आई 4uv, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो आई है ना u माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा डेल uv अपॉन डेल
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4u इंटू वी इसकी वैल्यू होगी। सो स्टूडेंट इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे अगर यहां पे तीन वेरिएबल दे रखे हो लाइक u v w आर द फंक्शन ऑफ x y z तो वही प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। तो यहां पे वही डेल u v w और डेल x y z और ये आपको दे रखा है जैसे क्वेश्चन दे रखा है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू और आपसे पूछ रहा है कि डेल x y z अपॉन डेल u v w की वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट यहां पे x और y और z सेपरेट नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको करना मुश्किल है। तो हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट यहां पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे u v w अपॉन डेल x y z। तो यहां पे आएगा ये डेल u / डेल x डेल u / डेल y डेल u / डेल z डेल u / डेल डेल v / डेल x डेल v / डेल y डेल v / डेल z देन डेल w / डेल x डेल w / डेल y डेल w / डेल z की वैल्यू निकालेंगे राइट। सो ये वैल्यू कैसे आएगी देखिए आप यहां पे वैल्यू रखेंगे हम u को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट y z आएगा। नाउ यू को वाई कैरस्पिंग करेंगे तो ये आएगा एक्स जेड देन ये आएगा आपके पास एक्स वाई। नाउ वी को एक्स कैरस्पिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास टू एक्स। वी को वाई कैरस्पिंग करेंगे तो ये आएगा टू वाई। वी को जेड कैरस्पिंग करेंगे तो टू जेड देन यहाँ पे आपको वी डब्ल्यू को एक्स कैरस्पिंग करोगे तो वन वन और वन आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे इन सब की वैल्यू निकालेंगे। सो इन सब की वैल्यू निकालने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पे इसको जो सॉल्व करोगे आप इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आएगी। आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकाल के समझाऊँ पर आपको ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। नाउ अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे अपन यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस का टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड इंटू डेल यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। सो डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सो इस तरह से इसके हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपके सामने बताऊंगा सेकंड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ये सेकंड प्रॉपर्टी टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसी है कि यू और वी यहाँ पे फंक्शन है आर और एस का और आर और एस फंक्शन है एक्स और वाई का और आपको इसका जेकोबियन निकालना है राइट। मतलब किसका निकालना जेकोबियन ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई मतलब ये वैल्यू निकालनी है आपको राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसका है और ये इसका फंक्शन है और आपको इसका जेकोबियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इन दोनों का निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये डिवाइडेड बाय ये की वैल्यू आ जाएगी राइट। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है क्लियर है। सो यहाँ क्वेश्चन देखिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ जेकोबियन डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल आर कॉमा थीटा। तो आपको यू और वी की वैल्यू ये दे रखी है और आर और थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालें तो सबसे पहले क्या करोगे यू वी अपॉन एक्स कोमा वाई निकालोगे देन एक्स कोमा वाई एंड डेल आर कोमा थीटा। हो क्या रहा है मैं आपको ये समझा देता हूँ। यू और वी किस पर डिपेंड कर रहे हैं एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहे हैं और एक्स और आर वाई किस पर डिपेंड कर रहे हैं आर और थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं और हमें किसका निकालना हमें इसका और इसका निकालना राइट। तो हम से पहले इसका इसका निकालेंगे फिर इसका इसका निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा राइट। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट डेल यू कॉमा थीटा जेकोबियन एक्स कोमा ये दोनों बोल सकते हो राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल यू बाय डेल सॉरी डेल थीटा बाय डेल एक्स एंड डेल थीटा बाय डेल वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे यू को एक्स के रस्म करेंगे तो आएगा टू एक्स यू को वाई के रस्म करेंगे तो माइनस का टू वाई थीटा को एक्स सॉरी दिस इज वी ओके यू वी है यहाँ पे सो वी है ना दिस इज वी। सो वी को एक्स के रस्म करेंगे तो ये आएगा टू वाई और इसको वाई के रस्म करेंगे तो एक्स। नाउ इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर और 4 कॉमन निकाला तो आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें हम तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहां से इसकी वैल्यू आर स्क्वायर आएगी सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 4r स्क्वायर। नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी x कॉमा y अपॉन r कॉमा थीटा। सो स्टूडेंट यहां से क्या होता है ये डेल x अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल आर
एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा। सो एक्स को आर के रेस्पेक्ट में करिए, सो ये जो एक्स है इसको हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा ये कॉस थीटा, वाई को आर एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस का आर साइन थीटा। नाउ वाई को आर के रेस्पेक्ट में करिए, इस वाई को आर के रेस्पेक्ट में करिए तो ये आएगा साइन थीटा। नाउ इस y को थीटा के रेस्पेक्ट में करिए तो ये आएगा r cos थीटा। नाउ इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दिस इंटू दिस तो ये आएगा स्टूडेंट r cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इसको कॉमन निकालेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है और यहाँ से इसकी वैल्यू r आ जाएगी। नाउ ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ से इसको इधर रख रहा हूँ, सो डेल यू कोमा वी अपॉन डेल आर कोमा थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आई 4r स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू आपके पास आई r, सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4r क्यूब। सो स्टूडेंट इस तरह से इसकी हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा थर्ड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बाई चांस ये जो यू इफ द फंक्शन यू वी डब्ल्यू ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट देन द जेकोबियन ऑफ दिस इज जीरो। मतलब कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ यू इज दिस एंड वी इज दिस देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो आपको क्या करना है, आपको इसका जेकोबियन निकालना है और आपको ये प्रूव करना है कि इसके जेकोबियन की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर यू वी अपॉन एक्स वाई इसकी जेकोबियन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट है, और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तो मतलब ये यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इसका जेकोबियन जीरो होगा देन यू एंड वी आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ये यू और वी यहाँ पे क्या होंगे डिपेंडेंट होंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यू वी डब्ल्यू अगर एक्स वाई जेड की फंक्शन है और ये यू वी डब्ल्यू आपस में डिपेंडेंट होंगे अगर इनका जेकोबियन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जीरो हो, अदरवाइज वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शनली डिपेंडेंट एंड इफ सो देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देन, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो u और ये v है ये आपस में यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट है, और अगर है तो इनके बीच में रिलेशनशिप निकालिए। तो भैया आपको अगर इन दोनों को डिपेंडेंट प्रूव करना है तो आपको इसका जेकोबियन क्या प्रूव करना है जीरो प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई। सो स्टूडेंट यू को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये यू को मैंने एक्स के रेस्पेक्ट यहाँ कर रखा है, तो क्या करेंगे वन माइनस एक्स वाई को छोड़ा इसका किया तो वन हुआ, देन एक्स प्लस वाई को छोड़ा इसका किया तो वाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, देन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। नाउ v को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो v को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट मेरा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वीडियो बना हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ये आई टैब है यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना आता तो आप वहाँ सीख सकते हैं, राइट। सो आप देखिएगा क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आप चेक कर रहे हो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है जीरो के बराबर आ रही है, और अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है इसका मतलब ये जो यू और वी है ये आपस में क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट है, राइट। और डिपेंडेंट है तो भैया इनमें आपस में क्या करना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप क्या है देखो यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो आप इसको फार्मूला देख लीजिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और ये ट्वेल्थ क्लास में सिखाया जाता है स्टूडेंट। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ना इस tan को मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा ये tan v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है u है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप
होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने फादर पे डिपेंड करते हो ना, आप अपने घर वालों से पैसे लेते हो, आगे एजुकेशन कर रहे हो, तो आप उन पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली हमारे बीच में आपस में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, कि वो अपने फादर है या अपना भाई है या जो भी है। तो जहाँ पर डिपेंडेंसी होगी वहाँ पर क्या होगा, रिलेशनशिप होगी। तो ये वर्ड ध्यान रखिए आप। तो जेकोबियन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको उसका जेकोबियन जीरो प्रूव करना है एंड देन उसके बीच में रिलेशनशिप निकाली। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे और आपके एग्जाम भी करीब हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कंटेंट डेवलप करूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और स्टूडेंट, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक ही बार बार बोलता रहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। भैया, मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ये ज्ञान आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।